हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारा जो काम है वो सारा हो चुका है। बस अब कुछ काम बचे हुए हैं जिन्हें मैं करने जा रही हूँ। और आज नवरात्रा का दूसरा दिन, तो थोड़ा सा सुबह पूजा वजा हमने किया था। और यहाँ पे मैं अपने बापू को कर रही हूँ तैयार, क्योंकि उसने नहा लिया है और उसने आज शैम्पू किया था बाल में, तो इसलिए मैंने उसे अभी बाल थोड़े पीछे भींगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे चोटी नहीं बना रही हूँ, बस मैं यहाँ पे काजल पाउडर लगा के बाल खुला ही रखूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो बाबू वो हो चुका है बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे वो थोड़ा सा था गुस्सा, क्योंकि उसे न्यू कपड़ा चाहिए था। बच्चे रोज़ निश्चित करते हैं न्यू कपड़े के लिए, तो मैं और न्यू कपड़ा देने के बाद फिर क्या होता है कि वो बस उसी ही पहनना चाहेंगे। उसके अलावा उन्हें बस, अगर वो भींगा भी रहेगा तो बोलेंगे नहीं, मुझे यही पहनना है। तो इसलिए मैंने जो कपड़ा था बस वही पहना दिया। यहाँ पे उसका थोड़ा सा मुंह फूला हुआ है। खाना वाना हो चुका है और खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। ऐसे मैंने तो सुबह पोछा घर सुबह ही मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये जो मेरा है, ये मेरा दूसरा बार मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा घर को गंदा कर देते हैं, थोड़ा घर मैसी हो जाता है। क्योंकि खाते तो वो गिरा भी देते हैं और पानी भी गिरा दिए थे, इसलिए मैं यहाँ पर घर को फिर से पोछ रही हूँ। और मैं फिर से पोछने के बाद ये देखिए मैं पोछ लूँगी, ताकि घर जो अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे चारों तरफ पानी गिरा हुआ था, इसलिए मुझे पूरा घर पोछना पड़ा। और ऐसे मैं रोज़ ही इसी तरह से मैं दोबारा पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दोबारा पोछना ही पड़ता है। और खाना खाने के बाद तो ऐसे भी पोछा करना ही चाहिए। नवरात्र का दूसरा दिन, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे घर में तो पूजा नहीं हो रही, तो जिनके घर में पूजा है उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये देखिए, यहाँ पे बाबू को आ रहा है नींद। मैं बाबू को बोल रही थी कि मम्मा आप अपनी चोटी बना दे, और बाबू यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे चोटी नहीं बनाना था। मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा गुस्सा था, और बच्चे इतने छोटे छोटे उम्र में ही गुस्सा होने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी चोटी के बारे में बोल रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वो ना ही मुझे चोटी बनाने दे रहा था। से आ रही थी नींद और वो थोड़ा गुस्सा भी था, तो मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी। और उधर मेरी बेटी का वो खेल रही है, तो मुझे उसके भी बाल बनाना है। तो चलिए, मैं उसके भी जा रही हूँ बाल बनाने। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ किचन, और आज हमारा जो है वो हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता है, तो पानी जो खुला हुआ था तो मुझे पानी भी भरना था। और यहाँ मैं जा रही हूँ, जो बर्तन थे मैं उन्हें स्टैंड में लगाऊंगी। तो चलिए, बर्तन को नीचे रखे थे तो मैं नीचे से लेकर के अब स्टैंड में बर्तन को लगा दे रही हूँ, ताकि नीचे मैं इसलिए रखी थी ताकि वो पानी जो है सारे अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टैंड में बर्तनों को लगा दिया है। और मैं इसी तरह करती हूँ, मैं हमेशा मैं नीचे पहले बर्तन को रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टैंड में बर्तन को रखती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पानी भरने के लिए। और यहाँ पे हमारा प्रेस जो है सप्लाई, व मेरा पानी जो मैंने भरने के लगाया था, तो मेरा जो पानी है वो भर चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ इसे मैं अपने घर के फिल्टर में डालने के लिए। और तो देखिए, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी लेकर आ चुकी हूँ और मैं इसे फ़िल्टर में डाल रही हूँ, ताकि ये पानी फ़िल्टर हो जाए। और ये जो पानी है, मैं घर पानी जो है हमारा 2-3 घंटे के लिए आता है, उसके बाद पानी जो है हमारा बंद हो जाता है। तो हमें पानी को भर के रखना होता है, इसी तरह हम भर के रख देते हैं। और जो पीने वाला पानी वो मैं फ़िल्टर कर देती हूँ, क्योंकि सप्लाई वाला जो पानी है वो थोड़ा कभी कभी गंदा आता है,
इसलिए फ़िल्टर हो जाता है तो अच्छा था। और पानी को मैं ऐसे उबाल भी देती हूँ, इसी तरह मैं भरते जाऊँगी पानी को। तो ये देखिए हमारा जो पानी, घर वाला फिल्टर है, उसे भी मैं पानी वहाँ से लेकर के आके मैं रख देती हूँ, क्योंकि जो मेरा किचन है वो थोड़ा सा दूर है, तो और ऐसे मैं लॉक करके रखती हूँ, तो फिर मैं यहीं पे पानी ला के रख देती हूँ ताकि हमें पीने में आसानी हो। अब मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के चोटी बनाने के लिए। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे दो चोटी करना है, तो मैं उसकी दो चोटी बना दे रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं उसकी दो चोटी बना रही हूँ और वो इससे पहले खेल रही थी। और आज है संडे, तो आज इसका मैं संडे को दिन में नहीं पढ़ाती हूँ, बस मैं रात में ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि संडे को छुट्टी रहता है तो वो पढ़ना नहीं चाहते उतना, तो बस मैं एक ही बार पढ़ा देती हूँ वो रात में। तो आज मैंने दिन में नहीं पढ़ाया, तो मैंने इसकी चोटी जो है वो अच्छे से बना दिए हैं, तो मैं इसे भी अब अच्छे से तैयार कर दूँगी। और अभी इसे मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, तो मैं फेस पे इसके भी मॉइस्चराइज़र और क्रीम पाउडर लगा दूँगी। यहाँ पे मैं अपने बाबू की हेयर को देख रही थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि जब मैं इसके बाल कटवाऊँगी तो इसका कैसा फेस लगेगा, क्योंकि अभी तो इसका मुंडन मुझे करवाना है, मैंने अभी मुंडन नहीं कराया है जो उसके बाल थे। वेलकम टू माई चैनल। तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, तो आई हूँ मैं आपसे बातें करने। तो आज था सोमवार, सॉरी नवरात्र का दूसरा दिन, तो हमने घर में ही सिंपल सा पूजा कर लिया। तो बस यही था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी, तो मुझे काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ बताइएगा। और मेरे से तो साड़ी पहन के काम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से मैं शुरू से ही मैं सूट ही पहनती आई हूँ, और कभी कभी साड़ी पहनने का मन करता है तो कुछ काम भी नहीं होता है। हाँ, साड़ी पहन के अगर कुछ काम ना हो तो मुझे साड़ी में मैनेज कर लेती हूँ, पर साड़ी पहन के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज का यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना आपने अपना कीमती समय दिया। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग।